दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम आरटीडी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दोनों तरह पूछा जा सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म आरटीडी भी से पूछा जा सकता है या फिर पूरा नाम लिखा आ सकता है। हमें दोनों तरह याद रखना है। समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग समझ लेते हैं। तो जो हमारी आरटीडी है इसका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। किसको? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जहां पर कोई गैस है, कोई लिक्विड है या कोई स्टीम है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अभी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, कैसे टेम्परेचर बताती है, तो ये भी ध्यान से सुन ले। जैसा इसका नाम रखा गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर, मतलब ये रेजिस्टेंस के आधार पर टेम्परेचर को मेजर करती है। तो इसके अंदर ऐसे मटेरियल भी यूज किए गए होंगे जो रेजिस्टेंस पैदा करते हो, मतलब जनरेट करते हो। तो हम यहां पर देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और उसी के आधार पर हमें इसको एक्सप्लेन करना है जब भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जिसके पास भी हमारी पीडीएफ है जो एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उस पीडीएफ को अच्छे से एक बार पढ़ लें, जो मैं समझा रहा हूं उसको सुन लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसको समझ लेते हैं। सबसे यहां पर लिखा प्लेटिनम लीड्स, क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो मटेरियल यूज किया था, ऐसा मटेरियल यूज किया था जिसके अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो जनरेट कर सकती, मतलब उसकी खुद की कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, गुण होने चाहिए उसके अंदर। तो यहां पर हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम, जिसके अंदर ऐसा गुण होता है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसको पूरा एक ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर पूरा जी हमारे पोर वगैरह बनी हुई है, और जी हमारी क्या है रेजिस्टेंस कॉइल आपको दिख रही है, एक कॉइल टाइप की बनी हुई है, पूरी कॉइल मतलब बाउंड करके बनाई जाती है। बाउंडिंग तो आप लोग समझते होंगे। इस सेरेमिक इंसुलेशन है, मतलब क्या होता है, जो भी हमारा इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगा वो उसमें लॉस ना हो, तो इसको पूरा सील्ड कर दिया जाता है लॉस होने से बचाने के लिए। अब इस तरह की ये पूरी हमारी डिवाइस बनी जाती है, इससे हम टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। जो यहाँ प्लेटिनम लीड्स लगी हुई है दो बार दिख रहे होंगे, इनको हम व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उससे कनेक्ट करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब जो हमारी पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना रहता है उसका जो पूरा सिस्टम रहता हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज रहती है, जो रेजिस्टेंस वहां पर शो कराता है। तो इन दोनों को उससे कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों लीड उससे कनेक्ट हो जाती है। और जो नीचे इसकी जो नीचे वाला हिस्सा रहता है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, इसको हम मर्ज कराते हैं, मतलब डुबोते हैं कहां पर, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। मान लो किसी लिक्विड का या गैस का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, इस तरह यहाँ पर बनी हुई है मान लिया मैंने, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। जैसे ही इसमें इंसर्ट कराएंगे तो ये डिवाइस यानी ये सेंस करेगी इसको, इसके जो यहाँ पर लिक्विड है उसके टेम्परेचर, जब उसके टेम्परेचर सेंस करेगी तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वह पैदा होगा, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वह टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो वह रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो धीमे धीमे जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वह टेम्परेचर के क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता है उस तरह उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो जैसा यहां से ये डिवाइस टेम्परेचर क्या करेगी, सेंस करती जाएगी, वह रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा। उस रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा वह कहां पर दिखाई देगा, हमें व्हीट स्टोन ब्रिज में दिखाई देगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो रेजिस्टेंस है वहां पर शो कराएगा, उस व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रेजिस्टेंस शो करेगा उसी को डायरेक्ट हम टेम्परेचर के रूप में जो डिवाइस होती है वह वहां पर बता देती है उसका टेम्परेचर। हमें यहाँ पर क्या देख रहा है कि अंदर का जो फंक्शन होता है कैसे काम करता है। तो नॉर्मली आप समझ होंगे ये कैसे काम करता है। हमें क्या क्या करना, सिर्फ जो इसका नीचे का हिस्सा उसको वहां पर क्या करना, मर्ज कराना, मतलब जिस लिक्विड या गैस का टेम्परेचर मेजर करना उसको यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर इतनी जगह डूब जाती है, जैसे ही डूबेगी तो ये सेंस करेगी क्या उसके टेम्परेचर को, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ जो यहाँ पर कॉइल बनी हुई है उसमें रेजिस्टेंस जनरेट होगा और रेजिस्टेंस
बढ़ने लगेगा। वह रेजिस्टेंस जो इस कॉइल के अंदर बढ़ता है उसको हमने क्या किया, जो वायर है ये यहां तक पहुंचेगा, इन वायरों को मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जो डिवाइस पूरी बनी रहती है जहां पर इलेक्ट्रिकली शो कराते हैं वहां पर क्या है उस इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और उस रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा वह रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ वह डिवाइस शो कराती है, उस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट हम क्या टेम्परेचर के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर के एकदम प्रोपोर्शनल होता क्या रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरह हम इससे हम क्या टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं। जैसा मैंने समझाने की कोशिश की वैसा ही हमने पीडीएफ में लिख दिया है, अच्छे से समझा दिया। उस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ अवेलेबल है। जिसके पास एवी क्लास एप्लीकेशन नहीं है वह डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दी, उस वीडियो को अच्छे से आप देख लें कैसी प्रोसेस मैंने बताई है, उस प्रोसेस को पूरा कर लें। और कोई प्रॉब्लम आती तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी मन में डाउट आता है उस सिलेबस की टेंशन न लें, हम सिलेबस हमेशा पूरा करवाते हैं और इस बार भी सारे सब्जेक्टों का सिलेबस पूरा करवाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।